मेरठ कैंट क्षेत्र में अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे इंडाना रेस्टोरेंट बार में आधी रात के बाद भीषण आग लग गई। आग लगने पर आसपास के इलाकों में अफरा तफरी मच गई। सूचना पर फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। लाल कुर्ती क्षेत्र चैपल स्ट्रीट में अंग्रेजों के जमाने का बना इंडाना बार रेस्टोरेंट है। रेस्टोरेंट कोरोना महामारी के चलते हाल ही में खुला था। लाल कुर्ती चैपल स्ट्रीट निवासी हर्षरणजीत कौर रेस्टोरेंट बार के मालिक हैं। सोमवार की रात को बार का स्टाफ रेस्टोरेंट के बंद होने पर अपने घर निकल गया था। रेस्टोरेंट में महज गार्ड और एक दो व्यक्ति और मौजूद थे। करीब 2:30 बजे रेस्टोरेंट के आसपास के रहने वाले लोगों ने देखा कि इंडाना बार में धुआं उठ रहा है। धुआं अधिक दिखाई दिया तो लोगों ने इस बात की जानकारी तत्काल मालिक हर्षरणजीत कौर को दी। आग लगने की सूचना लोगों ने फायर ब्रिगेड को भी दे दी। आग लगने पर गार्ड और रेस्टोरेंट में मौजूद लोगों को भी बाहर निकाला गया। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंचने से पहले ही रेस्टोरेंट में लगी आग ने धीरे धीरे अपना विकराल रूप धारण कर लिया था। आग लगी देख आसपास के लोग भी वहां आ गए। बार में लगी आग देख आसपास में अफरा तफरी मच गई। शुरुआत में फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने का प्रयास किया। ये इंडाना बार एंड रेस्टोरेंट है चैपल स्ट्रीट वाली गली में। ये हरचरण जीत कौर मालिक हैं इसकी। इसमें इलेक्ट्रिक संभवतः इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट से आग लगी है। 5 गाड़ियां हमारी फायर सर्विस की आई। पहले 2 गाड़ियां आई थी, फिर 3 और बुलवाई गई और आग पर काबू पा लिया गया है। कोई चोट चपेट नहीं है, कोई घायल नहीं है और बाकी नुकसान का आकलन किया जा रहा है, वो कल तक पता चल पाएगा। सही आग लगने का कारण संभवतः इलेक्ट्रिक सर्किट शॉर्ट सर्किट लग रहा है और बाकी जांच करने के बाद पता चल पाएगा।